हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तो फ्रेंड्स संकट आ रहे हैं तो इस दिन फ्रेंड्स खासकर तिल के लड्डू बनाकर चढ़ाए जाते हैं। और फ्रेंड्स तिल की तासीर गर्म होने की वजह से ये हमारे शरीर को गर्म रखने के साथ साथ स्वाद में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस आसान रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिया हुए हैं। आप चाहे तो काले तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मार्केट से लाने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको सुखा लिया है। तो चलिए इनको हम भून लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई को अच्छी गर्म कर लिया है और तिल को डाल दिया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इसमें भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। और फ्रेंड्स ये देखिए ऑलमोस्ट तिल का कलर चेंज हो चुका है, तो आप देख सकते हैं और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो यहीं पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब सेम कढ़ाई में 1/2 कप पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स डाल देंगे गुड़ को। तो फ्रेंड्स गुड़ की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइम ठंडी बहुत हो रही है तो गुड़ शरीर को गर्म करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो ये देखिए गुड़ हमारा पिघल चुका है। तो अब हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। आप डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड देसी घी से हमारे लड्डू जो बनेंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और साथ ही साथ इसमें एक शाइनीपन आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स गुड़ का पाक पक रहा है। तो इसे भी हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि उस फ्रेंड्स जब तक कि हमारा गुड़ का पाक अच्छे से नहीं पकेगा तो हमारे फिर लड्डू भी अच्छे से नहीं बंधेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2-4 बूंद ड्रॉप्स हम डाल के देख रहे हैं। तो ये अभी ढंग से मतलब कि बंध नहीं रहा है पानी में, तो इसको हम अभी और पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से हम अपने पाक को चेक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक वहाँ पाक अच्छे से नहीं बंधेगा फिर लड्डू अच्छे से नहीं बंध पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इकट्ठा होने लगा है, तो मतलब कि हमारा पाक बनकर तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देंगे तिल को, अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद भी मैं थोड़ी देर इनको पका रही हूँ जिससे जो गुड़ है अच्छे से तिल में मिल जाए और लड्डू हमारे अच्छे से बंध जाए। अब यहाँ पे मैंने तिल के मिश्रण को एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब स्पून की हेल्प से इसको मैं चला रही हूँ थोड़ा सा, ये ठंडा हो जाए तभी ये लड्डू बांधेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स गरम गरम में लड्डू नहीं बनते हैं। तो अब हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे जिससे ये चिपके ना। अब हमें जितना लड्डू बनाना है साइज में उतना बड़ा हम इससे मिश्रण ले लेंगे और इस तरह से राउंड राउंड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा लड्डू बनकर तैयार है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो ये देखिए साइज़ भी आप कम या बड़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार है। अब हम सारे लड्डुओं को इस तरह से बांध लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे लड्डुओं को बांध लिया है। तो इस शकट आप भी अपने घर पर ही बनाइए लड्डू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।